सारी स्किन केयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है मैंने आपकी, लेकिन एक डार्क सर्कल्स हैं जिसपे कमेंट्स आते ही रहते हैं। बट आप लोगों को ये नहीं पता कि ज्यादातर लोगों के आई बैग्स होते हैं, डार्क सर्कल्स नहीं होते। बैग्स का मतलब है थोड़ी सी स्वेलिंग या फिर इडीमा जिसको कहते हैं, वो आपकी आंखों के नीचे हो जाना, जिसकी वजह से एक शैडो वाला इफेक्ट आता है आपकी आंख के नीचे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखों के नीचे का एरिया काला है, और ये होता बेसिकली इस एरिया में वाटर रिटेंशन की वजह से है, कि यहाँ पे पानी रुक जाता है, जो कि बेसिकली आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि नींद कम लेना या स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना या फिर खाना अच्छा ना खाना। और जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो जनरली जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, और जेनेटिक्स नहीं भी हो तो एज के साथ साथ आपके आंखों के नीचे की जो स्किन होती है ना, उसकी लेयर पतली होती रहती है, क्योंकि आपके फेस से कोलेजन नाम की एक चीज कम होती रहती है। आज के वीडियो में दोनों हटाने के तरीके बताऊंगा। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज का वीडियो है हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स। एंड मुझे पता है यूट्यूब पे कुछ वीडियोज हैं जो इस मामले में ना आपका बेवकूफ बनाते हैं। अगर आपको बेवकूफ नहीं बनना और रियल तरीके जानने हैं तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना एंड एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक, एंड हां नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे मैं आ जाता हूं स्टेप्स पे जो आपको लेने हैं डार्क सर्कल्स या आई बैग्स वगैरह हटाने के लिए। और पहले ना मैं आई बैग्स की ही बात करूंगा, जो टेम्पररी चीज होती है, जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपकी आंखों के नीचे सूज जाता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही है कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो। अब क्योंकि कम स्लीप की वजह से होता है तो यार सो ढंग से 7 घंटे, बट चलो ये तो काफी ऑब्वियस है कि यार नींद अच्छे से लेंगे, लंबी लेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ना एक्चुअल रेम स्लीप 7 घंटे की लेने की कोशिश करनी है। रेम स्लीप का मतलब है जो डीप स्लीप होती है, मतलब जो एक्चुअल नींद होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका दिमाग चल रहा होता है और आप बस आंखें बंद करके लेटे हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी थकान कम करनी है जिसकी वजह से आपकी नींद सही हो। एंड फिर उससे रिवर्स इफेक्ट भी आएगा, आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी थकान और कम होगी। तो आपको सोने से पहले डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल पिया है तो सोने से पहले आपको बहुत 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 सारा पानी पी के सोना है। एंड अपनी एक्स को याद करके पूरी रात अगर रो के फिर सोओगे तो ऑब्वियसली अगले दिन आई बैग्स होंगे ही होंगे लोफाई गाने चलाते। अब स्लीप इंप्रूव करने के तो 1000 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक पर्सनली बताता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या काम किया। सोने से पहले मैं लिख के रखता हूँ कि मेरे को अगले दिन क्या क्या करना है, तो मेरे दिमाग में फालतू की चीजें नहीं घूमती और मैं चैन से सो पाता हूँ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका काम या आपकी पढ़ाई इन्वॉल्व करती है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, मतलब कि आप लैपटॉप की स्क्रीन में बहुत टाइम देखते हो या फिर आप फोन की स्क्रीन में बहुत टाइम देखते हो, वैसे सिर्फ काम से नहीं, ये अगर आप नालायक भी हो तो भी आप गेम में पबजी खेल रहे हो फोन पर बहुत लंबे टाइम तक, तब भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो तब आपकी जो स्किन होती है आपकी आंखों के आसपास की, वो ना बहुत ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से उस स्किन की क्वालिटी गिरेगी और आपको आई बैग्स होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा पानी तो पीना ही है, दिन में 3-4 लीटर, लेकिन साथ में आप टीयर ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हो। एंड मैं तो कहूंगा अगर आप लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हो, 4-5 घंटे या उससे ऊपर, तो डेफिनेटली टीयर ड्रॉप्स डाला करो। इसके लिए आपको कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट केमिस्ट से जाके ले सकते हो एंड उसको थोड़े थोड़े टाइम में डालते रहा करो जब भी आपको आंखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना ना इन जनरल सॉल्ट इनटेक कम करना है, मतलब नमक वाला खाना कम खाया करो। जितना आप कम सॉल्ट लोगे उतना कम वाटर रिटेंशन होगा आपकी बॉडी में, मतलब कि जो पानी का वेट रह जाता है बॉडी में। और आप नोटिस करोगे कि अगर आप नमक कम खाओगे ना तो आपके साथ एक और बहुत अच्छी चीज होगी कि आपका जो लोअर एब्डोमेन में जो फैट है, जो आपको लगता है कि फैट है, वो एक्चुअल में पानी ही है जो रिटेन हुआ पड़ा है, वो भी कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल का फैक्टर ये है कि ब्रो हैप्पी यू हैप्पी स्किन। तो आपको ना बहुत एक्टिव स्टेप्स लेने हैं स्ट्रेस कम करने के लिए आपकी लाइफ का, क्योंकि उसी से होगी आपकी स्किन की हेल्थ इंप्रूव। यार मैं बताता हूँ इसका रीजन, स्ट्रेस बेसिकली आपकी स्किन के अंदर के प्रोटीन्स को अल्टर करता है और इसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मतलब इसको ऐसे समझो कि आपके स्किन के अंदर रबर बैंड्स हैं जो कि अभी खिंचे हुए हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस बहुत लोगे तो वो रबर बैंड थोड़े से लूज होने शुरू हो जाएंगे, और अगर रबर बैंड लूज होता है तो लटकता है। वैसे स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, उसकी वजह से आपको पिंपल्स भी होंगे। वैसे अगर आपको स्ट्रेस कैसे कम करना है उस पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें ना ऑनेस्टली मैं एक अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं चाहूंगा कि मैं एक लाइव सेशन करूं और आप मेरे को उसी टाइम बताओ कि आपको एक्चुअल में किन चीजों से स्ट्रेस होता है, तो मैं उसी टाइम आपको उनके सॉल्यूशंस बता पाऊंगा। बाकी वीडियो तो बहुत सारे हैं फंडे पेलने वाले। यार ये तो हो गए हमारे सारे लाइफस्टाइल के लंबे टाइम वाले जो पॉइंट्स हैं कि भाई लंबे टाइम में इफेक्ट आएगा। अब देखते हैं कुछ क्विक फिक्सेस, जो कि फटाक से कुछ हैक्स जिससे कि आप अपने आई बैग्स को कम कर पाओ। तो यार जितने भी वो क्विक फिक्सेस होते हैं ना, वो 2 टाइप की चीजें करते हैं आपकी स्किन पे। एक तो वो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजापन कम करते हैं, दूसरा वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नाम की एक चीज होती है उसको कम करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन कम करने वाले जो चीजें होती है वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने वाली चीजें होती है एंटी ऑक्सीडेंट। तो ये तो हो गई उसकी साइंस, अब देखते हैं कि यूज क्या करना है। तो
जैसे जो ग्रीन टी के स्पेशली बैग्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे टी बैग्स आते हैं, उनको आप पानी में थोड़ा सा भिगो के उसको फ्रिज में रख के थोड़े टाइम के लिए उसको ठंडा होने दो, उसके बाद उसको अपनी आईज पे रख लो और 15 मिनट के लिए आप अपनी आईज पे रखोगे, उसके बाद आप अपनी आंखों के नीचे का आई बैग्स देखोगे, काफी हद तक कम हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए कि जो मैंने दो फंडे बताए थे, एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ग्रीन टी और साथ में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं उसमें। अब सिमिलर तरीके से काम करता है, जैसे आपने देखा होगा लोग खीरे रख लेते हैं अपनी आंखों पे, जैसे वेलकम मूवी में भी देखा होगा आपने। तो जो खीरा होता है या कुकुम्बर होता है उसके अंदर ना एस्ट्रिंजेंट होता है जो कि आपकी स्किन को टाइट करता है। बट हाँ, खीरे को भी ना आपको ठंडा ही रखना चाहिए ताकि वो जब ठंडा हो जाएगा ना तो आपकी इन्फ्लेमेशन यानी कि आपकी सूजन कम कर देगा। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं पड़ी अभी तो आप यूज कर सकते हो सबसे सस्ती चीज जो कि है, दो चम्मच को फ्रीजर में रख के ठंडे करके अपनी आंखों पे लगा लो। उससे उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना ग्रीन टी बैग वगैरह से आएगा, बट अगर जल्दी में हो तो ये भी कर सकते हो। या इसका बेस्ट तरीका जो है वो एक आई आइस मास्क यूज करना है। शायद आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट ना हो, इतना वैसे महंगा भी नहीं होता। मैंने इसे लिया हुआ है क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं रात को कम सोया और सुबह ही कुछ शूट हो गई या इवेंट हो गया, तो उससे पहले मेरे को फटाक से अपना आंखों को एकदम सही करना होता है, तो मैं ये मास्क यूज कर लेता हूं। अब ऐसी ना कुछ स्पेशल क्रीम्स भी आती हैं जो कि आपकी स्किन को टेंपरेरली मतलब थोड़े टाइम के लिए टाइट कर देती हैं। मैं टेम्परेली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक वो क्रीम आपके यहां पे लगी हुई है तब तक वो उसको टाइट कर देती है। अब ये क्रीम्स के अंदर ना वही एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कॉफी वगैरह ये सब चीजें होती है। कॉफी एक्चुअली बहुत अच्छा काम करती है आपके यहाँ पे स्किन को टाइट करने के लिए, लेकिन वही है कि जितने टाइम कॉफी लगी रहेगी उतने टाइम तो स्किन सही हो जाएगी, जैसी हटेगी वापस लट जाएगी। अब बात ये है कि ये जो डर्मा केयर वगैरह इन सब की ये वाली क्रीम्स आती है ये भाई बहुत महंगी होती है, तो अगर आपके पास उतनी बजट है तो आप ले सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगा। मेरे लिए पर्सनली सिर्फ वो कोल्ड आइस पैक काम कर जाता है या ग्रीन टी बैग्स लगा लेता हूँ, यही चीजों से मेरा सारा काम बन जाता है। प्लस मेरे को कोई शौक नहीं है एकदम 100% सारे डार्क सर्कल्स या आई बैग्स वगैरह हटाने का, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से, और ये एकदम मेरा पर्सनल व्यू है, कि थोड़े बहुत आई बैग्स, थोड़े बहुत यहाँ नीचे डार्क, ऐसा लगता है वो देख के कि हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है यार। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा आपको क्या कंज्यूम करना है जिससे कि आपकी स्किन बहुत बेटर हो जाए, एंड इसका आंसर सिर्फ एक है, कॉलेजन। कॉलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जैसे मैंने आपको बताया, जो कि आपकी स्किन को टाइट रखता है। तो बेसिकली एक मान के चलो बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी स्किन का, क्योंकि 70% कॉलेजन ही होता है, एंड कॉलेजन ही इलास्टिसिटी और फर्मनेस देने की वजह से आपकी स्किन को यंग रखता है और जो रिंकल्स और फाइन लाइंस यहां पे आ जाती है ना वो सबको डीले कर देता है, कि मतलब लेट आएंगी। अब वही है कि देखो यार, जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना तो आपका कॉलेजन खत्म होने लग जाएगा और बॉडी के लिए और कॉलेजन बनाना भी मुश्किल होता रहेगा, तो हमें ना कॉलेजन अलग से डालना जरूरी पड़ जाएगा। अब कॉलेजन या तो आप एक्सटर्नली लगा सकते हो या इंटरनली ले सकते हो। एक्सटर्नली मतलब बहुत सारी कॉलेजन वाली क्रीम्स भी आती हैं, वो काफी महंगी होती हैं, या फिर थोड़ा फन तरीका चाहिए तो मास्क भी आते हैं कुछ कुछ, जैसे कि एक हाइड्रा बॉम्ब करके आता है, उसको आप अपने फेस को वॉश करने के बाद अपने फेस पे लगा लो, 15 मिनट के लिए वहां पे रहने दो, वो हटाओगे तो काफी अच्छा फील होगा आपको स्किन पे, लेकिन ऑब्वियसली एक बार में कुछ चमत्कार नहीं होगा, ओवर टाइम आपको यूज करते रहना पड़ेगा। या अगर आपको अलग से एक्सटर्नली नहीं लगाना है तो आप इसको अपनी डाइट में भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एडिबल फॉर्म में हेल्थ कार्ड का आता है एचके वाइटल स्किन रेडियंस कॉलेजन, बढ़िया सप्लीमेंट है क्योंकि दिन में एक बार लेने से आपकी कॉलेजन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी दिन की, और इसको रेगुलर यूज करते रहोगे तो आपकी बॉडी के अंदर कॉलेजन प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा, एंड उसकी वजह से आपको मिलेगी एकदम हेल्दी रेडियंट और फर्म स्किन। और इसमें ना रियल मरीन कॉलेजन है जो कि 25 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी और कॉलेजन बिल्डर से, और इनफैक्ट कॉलेजन के साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड और साथ में बायोटिन भी है। अब मैंने आपको बताया था ना कि एंटीऑक्सीडेंट जरूरी होते हैं कम करने के लिए, इसमें जो विटामिन सी और विटामिन ई है वो काफी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये स्किन को रेडिएंट रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रिवेंट करते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना आपकी स्किन में अदरवाइज मेलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है, जो जिसकी वजह से बेसिकली हमारी स्किन में कलर होता है, वो प्रोड्यूस करता है वो, और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपको पता है कि स्किन के अंदर मॉइस्चर रोक के रखती है, तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई इसको पीते ही एकदम से आई बैग्स गायब हो जाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आपकी स्किन क्लियर, रेडिएंट और हेल्दी दिखेगी, एंड ऑब्वियसली आप डार्क सर्कल्स में भी रिडक्शन देखोगे। मैं इसका ऑरेंज फ्लेवर वाला पीता हूं क्योंकि मेरे को वो फ्लेवर ज्यादा पसंद, बट हाँ इसमें वाटरमेलन और मैंगो फ्लेवर भी आते हैं, एंड थैंक गॉड इसके अंदर एडेड शुगर्स नहीं है, भाई डाइट नहीं खराब करनी मेरे को। तो एक बार जब डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप इसका डब्बा ले लोगे तो 100 ml कोल्ड वाटर में रोज इसके 2 heaped spoons मिलाना अच्छे से एंड पी लेना। यार अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है डार्क सर्कल्स को कैसे हटाना है। अभी तक तो हमने आई बैग्स हटाने की बात करी थी। देखो अब मैं आपको एक सच बता रहा हूं, ठीक है, जो कि काफी यूट्यूबर्स आपको सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बताते। डार्क सर्कल्स को
नॉर्मली हटाना पॉसिबल जनरली नहीं होता, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके डर्मल प्रोसीजर्स करवाने पड़ेंगे। बट ऑब्वियसली आप डार्क सर्कल्स की जो विजिबिलिटी है वो कम कर सकते हो ऊपर वाले जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए सारे वो फॉलो करके। एंड एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से जान के चलो कि आपको सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है लगाना, अगर आपको स्पेशली डार्क सर्कल्स हैं तो, या क्योंकि आपको पता है कि आईज के नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अब क्योंकि वो सेंसिटिव ज्यादा है तो सन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी वहीं होता है, और सन आपको पता है भाई मैं सच बता रहा हूं, सन सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपकी स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होने का। तो 100% सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है आपको। बट ऑब्वियसली ये सब थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स के लिए क्विक फिक्स चाहिए तो वो मेरे दिमाग में एक ही है, वो है मेकअप। मेकअप मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे परी बन के जाओगे आप, आपको सिर्फ एक कुछ टिंटेड मॉइस्चराइजर टाइप का अपनी आंखों के नीचे लगाना होगा। बट वो ना थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा मैं, अगर आपको एक अलग से मेकअप पे वीडियो चाहिए तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। मतलब उस मेकअप के वीडियो में मैं एकदम बेसिक चीजें बताऊंगा कि भाई किसी पार्टी वार्टी पे जा रहे हो तो हल्का फुल्का सा ये कंसीलर यहां लगा लिया, या फिर बेसिकली मैं आपको रिसर्च करके पूरा समझा दूंगा। तो जितने मेरे प्रोडक्ट्स मेंशन करे इस वीडियो में सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, स्पेशली एचके वाइटल्स के स्किन रेडियंस कोलेजन का। एंड एक बात ध्यान रखना, हैप्पी यू हैप्पी स्किन। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिवअवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिवअवे करूंगा 2,000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। आपको बस जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देना है कमेंट्स में। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।